बड़ी तेजी के बाद कॉटन में मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। MCX पर पिछले हफ्ते 33,850 का नया हाई लगाने के बाद कॉटन वहां से करीब 1500 फिसल गया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन जुलाई 2011 की हाई पर ट्रेड करता नजर आया है। MCX पर नया हाई लगाने के बाद कॉटन में बिकवाली देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में कॉटन में करीब 4% की गिरावट आई है। ICE पर जुलाई 2011 के हाई पर भाव पहुंचा है। वहीं चीन में कॉटन कंजप्शन घटने का अनुमान है। गुजरात, महाराष्ट्र में कॉटन की नई आवक शुरू हुई है। पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में गिरावट आई है। अमेरिका में उत्पादन 3% कम रहने का अनुमान है, जबकि भारत में भी उत्पादन कम रह सकता है। वर्ल्ड कॉटन कंजप्शन ग्रोथ में 2.9% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बाद डिमांड बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन की इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी बनी हुई है और मंडियों में भी किसानों को कॉटन के अच्छे भाव मिल रहे हैं। जानकारों के अनुसार कॉटन की कीमतों में आगे और तेजी बन सकती है। कॉटन के फंडामेंटल्स इस वक्त मजबूत हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।